आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उपेंद्र अनमोल। आज हम लोग चर्चा करेंगे अपने चौथे एपिसोड में डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया, इनका क्या योगदान रहा और भारत के आर्थिक न्यू निर्माण में, भारत के औद्योगिकरण में और भारत में वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में इन्होंने किस प्रकार से योगदान किया, इस पर हम लोग संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हम लोगों ने एक एपिसोड शुरू किया है द रियल मेकर ऑफ इंडिया के नाम से, जिन्होंने भारत के आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी निर्माण में अपनी भूमिका निभा करके महान भारत के को आगे बढ़ाने में जिन्होंने मदद की या उसकी नींव बनाई, ऐसे सभी लोगों पर हम लोग परिचर्चा कर रहे हैं, ताकि आईएएस के एग्जाम में और तमाम सिविल लोअर ब्यूरोक्रेसी, तमाम पीसीएस के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप इसके माध्यम से डील कर सके, और साथ ही साथ भारत के जो है बारे में अपनी समझ को और व्यापक बना सके। जनरली हमारी समझ राजनीतिक नेताओं तक या तमाम ऐसे लोगों तक ही हो पाता है जिनके बारे में विवरण उपलब्ध है। तमाम ऐसे महानायक जिनके बारे में विवरण नहीं है, जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन जिन्होंने महान भारत की नींव रखी, हम उसे अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए उसी क्रम में हम लोग आज चर्चा करते हैं डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया, बहुत बड़े महान मानव। कर्नाटक के कोलार जिले में 15 सितंबर 1960 को डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था और बड़ी लंबी उम्र इनकी रही। 1962 में इनकी मृत्यु हुई, लगभग 101 वर्ष पूरा करके 102 वर्ष में चल रहे थे, और बहुत लंबी इस उम्र में ना केवल उन्होंने एक लंबी उम्र जिया, बल्कि भारत के लिए महान गौरव को स्थापित किया। डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया को भारत में तकनीकी का भी पिता कहा जाता है और भारत का पहला इंजीनियर कहा जाता है। 15 सितंबर को हर वर्ष इंजीनियरिंग डे डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को ही मनाया जाता है। डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया से पहले आधुनिक भारत में तकनीकी विकास को स्थापित करने वाला कोई दूसरा नाम नहीं रहा है। इसीलिए अनेक लोगों का मानना है, डॉक्टर कलाम खुद कहते थे कि डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया भारत में तकनीकी के पिता हैं, क्योंकि आधुनिक दौर में उन्होंने ही सबसे पहले बड़ी बड़ी और वास्तविक तकनीकों से हम लोगों को परिचय कराया। डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया महान इंजीनियर रहे। उन्होंने भारत में अनेक चीजों के निर्माण के लिए काम किया। उन्हें बागारदा मानुस, मैसूर का निर्माता और अनेक नामों और उपनामों से जाना जाता। 1955 में उन्हें भारत रत्न दिया गया। एक एक करके मैं उनके बारे में चर्चा करता हूं। आप सभी लोग जानते होंगे डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया को नहर और बांध क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में नहर और बांध क्रांति का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा भारत में इरिगेशन सिस्टम को पूरी तरीके से डेवलप किया गया। ऑटोमेटिक गेट, स्वचालित दरवाजे के वो जन्मदाता रहे, और ब्लॉक सिस्टम जिसके आधार पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाता है। जल विद्युत परियोजना जब भी बनाया जाता है तो पानी को रोकना होता है, वाटर की लॉकिंग करना होता है। वाटर लॉकिंग सिस्टम या ब्लॉक सिस्टम पर दुनिया का पहला पेटेंट डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा ही प्राप्त किया गया, और उन्होंने वाटर लॉकिंग सिस्टम पर न केवल पहला पेटेंट प्राप्त किया, बल्कि पहली बार उन्होंने जल विद्युत परियोजना बना करके उससे बिजली बनाने का भी काम किया। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कृष्णा सागर बांध, खड़क सावला बांध, हीरा कुंड बांध, निजाम सागर बांध, श्री सैलम जल विद्युत परियोजना, इन सभी के वो निर्माता थे। उन्होंने पाइकारा जलप्रपात पर, एना जलप्रपात पर, शिव समुद्रम जलप्रपात पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया, वाटर लॉकिंग सिस्टम से उसको जो है लॉक किया पानी को, और उसी पानी से टरबाइन चला करके बिजली बनाया। और आप जानते होंगे कि जब डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा बांध निर्माण का काम कृष्ण सागर बांध मैसूर के निकट शुरू किया गया, कावेरी नदी के पानी को रोक करके, तब भारत में सीमेंट का उपयोग प्रचलन में नहीं था, लेकिन डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया सर के द्वारा मोटार का प्रयोग करके लोहे के गेट को लगा करके उस बांध को तैयार किया गया। मोटार से उस बांध को तैयार किया गया और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन किया गया, और बंगलुरु शहर में जल विद्युत से पहली बार बल्ब जलाया गया,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के माध्यम से। डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया का कहना था कि भारत की किस्मत क्यों नहीं बदल पा रही है, भारत का जो है विकास क्यों नहीं हो पा रहा। उनका कहना था कि भारत में कृषि वर्षा जल पर निर्भर है, अर्थात भारत में कृषि परंपरागत है, जो क्षेत्र सिंचित नहीं है उनका उपयोग हम लोग उत्पादन में नहीं कर पा रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने सिंचाई प्रणाली, आधुनिक सिंचाई प्रणाली का विकास किया, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया और नहर बनाने और बांध बनाने की एक क्रांति शुरू कर दी, जिसके नाते भारत में ऐसे भूभाग जो वर्षा जल के पर्याप्त उपलब्धता वाले क्षेत्र में नहीं थे, या जहां वर्षा जल नहीं उपलब्ध हो पाता था, या जहां पर सालों भर वर्षा नहीं होती थी, वहां के लिए उन्होंने नहरों का निर्माण किया और कुल मिला जुला करके भारत में उत्पादन की नींव उन्होंने रख दी और भारत में परंपरागत कृषि को बदल करके आधुनिक कृषि की नींव डाली। इसी नाते डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया हमेशा याद किए जाएंगे। यद्यपि वो कर्नाटक के थे, लेकिन उनके द्वारा किए गए अनेक काम जो उत्तर भारत में आज भी प्रचलित हैं, सिंधु नदी के सुकूर कस्बे में उन्होंने सबसे पहले जो है सिंचाई के लिए प्रणाली विकसित की, फिर गंगा नदी पे, यमुना नदी पर, अनेक नदियों पर उनके द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट को ही अपनाया गया और पूरा उत्तर भारत नहरी सिंचाई से युक्त हो गया और हरित क्रांति में इसका लाभ भी मिला। इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया सर ही थे। डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया सर का कहना था कि कृषि को बदलने के लिए आधुनिक सिंचाई प्रणाली को बदलना होगा, बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी डैम बनाना होगा और इसके अलावा जो है उत्पादन को अनुकूल बनाने और कृषि का अंतिम उपयोग करने के लिए भी जल का प्रबंधन करना हमें सीखना होगा। वाटर इंजीनियरिंग में, जल इंजीनियरिंग में उन्होंने महान क्रांति को संभव बनाया। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया के द्वारा ही भारत का पहला लौह अयस्क का कारखाना 1923 में भद्रावती में लगाया गया और उसी से जानते हैं उसी से लोहे का, स्टील का निर्माण शुरू हुआ। महात्मा गांधी ने स्वदेशीकरण के लिए आंदोलन चलाया, लेकिन स्वदेशीकरण केवल आवश्यक कपड़ों से या आवश्यक वस्तुओं से ही स्वदेशीकरण संभव नहीं था, बल्कि उसके लिए आवश्यक मशीन का भी होना चाहिए, उसके लिए आवश्यक जो है तमाम उपकरण भी स्वदेशी होना चाहिए। इस दिशा में डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया सर का प्रयास निश्चित रूप से जो है बहुत महान प्रयास रहा है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया के नाते मैसूर का क्षेत्र इतना अधिक विकसित हो गया कि उसको भारत का यूरोप कहा जाता है। मैसूर भारत का यूरोप कहलाता है। मैसूर का बाद में कर्नाटक के राज्य के अंतर्गत उसको पुनर्गठित करके शामिल कर लिया गया। इसी नाते आज भी कर्नाटक जैसे राज्य प्रौद्योगिकी में आगे हैं और जीडीपी में भी वो आगे है। उसका एक बड़ा रीजन है कि मोच गुंडम विश्वेश्वरैया सर ने कर्नाटक की मिट्टी को, कर्नाटक की जमीन को उपजाऊ बनाने का काम किया, अनेक शहरों का विकास किया। बंगलुरु शहर का विकास डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया सर के कारण ही हो पाया। डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया सर 1912 में मैसूर के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए थे, उस समय दीवान कहा जाता था, और उन्होंने जो है शिक्षा के लिए विद्यालयों का व्यापक विकास किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना में भी उनका योगदान रहा और पहले मैसूर में मुश्किल से 40-45 हजार लोग पढ़ते थे, लेकिन डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया सर के नाते 1915-16 में ही 3.5 से 4 लाख लोग पढ़ाई करने लगे और अनेक संस्थान खुले। मैसूर विश्वविद्यालय डॉक्टर मोच गुंडम विश्वेश्वरैया सर के द्वारा खोला गया। बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई ताकि आसानी से लोन लोगों को मिल सके और उससे कृषि कर सके और अनेक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सके। भद्रावती आयरन स्टील वर्क्स की स्थापना भी उनके द्वारा की गई। इसके अलावा डॉक्टर बालचंद हीराचंद के साथ मिलकर के हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड में भी उनके द्वारा 1940 में सहयोग किया गया। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स में भी डॉक्टर बालचंद हीराचंद के साथ मिलकर के भारत की पहली कार कंपनी में भी उनके द्वारा सहयोग किया गया और हिंदुस्तान सीपीआर लिमिटेड में भी डॉक्टर बालचंद हीराचंद के साथ मिलकर के मोच गुंडम विश्वेश्वरैया सर के द्वारा सहयोग किया गया। इस तरीके से अनेक क्षेत्रों में उन्होंने महान जो है योगदान दिया और भारत के भविष्य को आगे बढ़ाने में, भारत की किस्मत को बदलने में बहुत बड़ा जो है
योगदान करते हुए नींव बनाने का काम किया, जिसके नाते आज का जो हमारा देश है वो अपने जानते हैं आज अपना विस्तार जो ले पा रहा है उसमें बड़ी बहुत बड़ी भूमिका डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सर की है। बहुत बड़े युग दृष्टा थे, बहुत बड़े नवाचारक थे, बहुत बड़े अन्वेषक थे, बहुत बड़े अनुसंधान करता थे और बहुत जीवट व्यक्तित्व वाले थे। चार सिद्धांतों का वो पालन करते थे। उनका कहना था किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में अगर व्यापक बनना है, महान बनना है, तो सबसे पहले उसे समय का पालन करना होगा। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सर को जो समय दिया जाता, अगर कहा जाता कि 9 बजे आप आइए, तो वो 9 बजने से पहले ही वहां उपस्थित होते थे। समय का अंतिम और अद्भुत पालन करते थे। नंबर 2, कभी खाली नहीं रहते थे, अपने टाइम का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे, इसीलिए वो शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ भी थे और 101 वर्ष की जिंदगी उनको मिली। 100 वर्ष के हुए 1960 में उनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया, तो उन्होंने अपने जीवन के सभी चारों सूत्रों को बताया कि किस तरीके से जीवन को आगे बढ़ाने में उनके ये सिद्धांत उनके काम आए। भारत में आज जो हमारा वैज्ञानिक इतिहास है, आज जो हमारी इसरो की सफलता है, DRDO की सफलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की सफलता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सफलता है, या IIM की सफलता जो है, उस सफलता के पीछे कहीं ना कहीं जो है डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का ही स्वप्न था कि किस तरीके से भारत को खड़ा किया जाए। आजादी के पहले भारत में औद्योगीकरण के वो जन्मदाता थे और श्री बालचंद हीराचंद के साथ मिलकर के उन्होंने आधुनिक भारत की नींव आजादी के पहले ही गाड़ दी थी। और इसीलिए मैंने कहा हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड 1940, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड 1940, प्रीमियर ऑटोमोबाइल 1945 की स्थापना करके उन्होंने वो नींव गाड़ दी कि आजादी के बाद भारत मशीनीकरण के क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग वस्तुओं के क्षेत्र में भी, पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन के क्षेत्र में भी स्वदेशी क्षमता रखेगा और भारत केवल रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई दवाई में ही आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी आत्मनिर्भर होगा और भारत अनेक देशों का नेतृत्व करेगा। आज 2020 आने को है और भारत तकनीकी के क्षेत्र में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश बन चुका है। हम लोग 5th ग्लोबल साइंटिफिक पावर बन चुके हैं। इस पावर को बनाने की जो नींव है वो डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सर के द्वारा ही बनाई गई और आधुनिक भारत का एक बड़ा स्वप्न जो है, जो उनके माध्यम से देखा गया, वही आज आकार ले रहा है और हम लोग पूरी दुनिया में नाम और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सर का जन्मदिन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इंजीनियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। जब 15 सितंबर का दिन आता है तो हमें प्रेरणा मिलती है कि कैसे अभाव की स्थिति में भी महान बना जा सकता है, कैसे अभाव की स्थिति में भी अपने जीवन को बदला जा सकता है, कैसे बिल्कुल अभाव की स्थिति में भी गरीबी भुखमरी से लड़ने के लिए सोचा जा सकता है और कैसे अभाव की स्थिति में भी हम उन जानते इतिहास के मानकों को स्थापित कर सकते हैं जैसा कि बहुत प्रभाव वाला और बहुत संसाधनों वाला देश भी नहीं कर पाता। इसलिए डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे और हम सभी लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। ऐसे महामानव को हमारी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है और जो है हम लोग अपने जो है पढ़ाई में भी डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सर से प्रेरणा लेते रहेंगे। अब इससे जुड़े जो मेंस के सवाल है और बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अलग वीडियो में डील करेंगे, लेकिन पहले एक परिचय इस तरीके से आप डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया सर का अपने रखें और इनके बारे में एक परिचय जब रखेंगे तो आपको पता चलेगा भारत में आधुनिक कृषि की नींव कैसे पड़ी, भारत में आधुनिक सिंचाई की नींव कैसे पड़ी, भारत में जल विद्युत परियोजनाओं का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की नींव कैसे पड़ी, पानी से बिजली कैसे बनाया जाए, पहला ऑटोमेटिक गेट, पहला स्वचालित दरवाजा किसने बनाया और उस पर दुनिया का पहला पेटेंट किसने प्राप्त किया, ब्लॉक सिस्टम या वाटर लॉकिंग सिस्टम को किसने जन्म दिया और दुनिया का सबसे लंबे बांध हीराकुंड जैसे बांध किसने बनाया, श्री सैलम जल विद्युत परियोजना जैसी परियोजना किसने बनाई, इन सभी से आप अवगत होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करते हैं। आगे अगले एपिसोड में हम निश्चित रूप से एक दूसरे महामानव के साथ मिलेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने भारत की, आधुनिक भारत की नींव आजादी से पहले और आजादी के बाद किस तरीके से गाड़ने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।